विश्वविख्यात परम संत देश दुनिया में शाकाहार सदाचार नशा मुक्ति के साथ जगत गुरुदेव नाम से लोगों के कष्टों को दूर करने वाले उज्जैन के संत बाबा उमाकांत जी महाराज गुरुदेव द्वारा 2 दिन का सत्संग किया गया, जिसमें करीब 12,000 भक्तों ने भाग लिया। महू की रॉयल टाउन स्थित कॉलोनी में कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को आशीर्वचन देते हुए उन्हें ईश्वर के दर्शन कराने वाले नाम का दान किया। वहीं जन्माष्टमी के बारे में बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि द्वापर के भगवान महापुरुष कृष्ण की याद में मनाते हैं। इस भारत भूमि पर जब जब परेशानियां आती है, जब जब लोग दुखी होते हैं, तो कोई न कोई शक्ति आती है, दुष्टों को संहार करती है और सज्जनों की रक्षा करके उनके लिए सुख शांति का रास्ता खोज करके फिर वह शक्ति चली जाती है। इसी गुरुदेव के प्रवचनों और सत्संग का लाभ लेने हजारों अनुयायी एकत्रित हुए, जिससे मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे प्रवचन सुनने पहुंचे थे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हमारे गुरु महाराज उज्जैन आश्रम से हमको यहाँ पे सत्संग देने के लिए बहुत सालों बाद अवसर मिला है सत्संग का, और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको सत्संग मिला। और हम शाकाहारी का प्रचार करते हैं और अंडा मछली मांस शराब किसी चीज़ का सेवन ना करने की सलाह देते हैं। आपका नाम? दिलीप विश्वकर्मा। इसीलिए देखो, ध्यान करने से पहले गुरु को याद किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहा गया, नाम के रंग में रख जा, मिले तो धाम निज अपना। उस नाम को जो बता रहे हैं कृष्णा, मन तू भजो गुरु का नाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।